जैसे हम लोग थोरी में एंट्री करेंगे, थोड़े दूरी पर आने पे मार्केट पार करते ही हम लोगों को मिलेगा थोरी जंगल रिसोर्ट। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पार्किंग है जहाँ पे होटल है और सेल्फी पॉइंट है। जितने भी लोग इंडिया से या फिर कहीं से भी घूमने आते हैं तो वो लोग यहाँ पे सेल्फी ज़रूर लेते हैं। इसके आगे का वीडियो मैं अभी जारी कर दे रहा हूँ। जैसे हम लोग थोरी रिसोर्ट से बाहर निकलते हैं, आगे आप लोग देख सकते हैं कि टूटे फूटे रोड मिलेंगे। टूटा फूटा इसलिए कहूँगा क्योंकि सिर्फ पत्थरों वाला रोड है। यहाँ पे थोड़ी मोटी खेती है। जहाँ का ज़मीन अच्छा है वहाँ पे खेती किया जा सकता है। यानी धान है, धान मक्का, बस दो ही चीज़ ज़्यादा लगाते हैं। और ये यहाँ का विद्यालय दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर से दिखा दे रहा हूँ विद्यालय यहाँ का। और एक सुंदर सा मंदिर यहाँ पे पास में। लोकल बाजार कहो या लोकल मार्केट, और पंचक्की से बिजली की पूर्ति की जाती थी। इधर आप देख सकते हो कि लोगों ने खेती किया है। इनके ज़मीन में एक बात यह है कि पथरीले ज़मीन है और फिर भी ये लोग खेती किया है, क्योंकि मेहनत के आगे सब झुकना पड़ता है। अगर नेपाल में आ रहे हो तो कभी भी हमेशा कैश ही लेके आया करो। अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया की तरह यहाँ पे QR पेमेंट लिया जाएगा या फिर UPI द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी सरकार भी कोशिशें कर रही है कि फ्यूचर में इन्हें भी UPI द्वारा पेमेंट किया जा सके। यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा टाइप का मिलेगा, इसमें हर प्रकार का वाइन, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक, इसके अलावा बहुत कुछ बहुत कुछ। कहने का मतलब यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो अपने गाड़ी को यहाँ पे पहले पार्किंग करेंगे या फिर इसे क्रॉस भी करके आगे खड़ा किया जा सकता है। पर बेटर है कि आप यहाँ पे खड़े करो। यहाँ पे एक ताऊजी रहते हैं, बाबा हिंदी, भोजपुरी, नेपाली, शायद इन्हें सभी लैंग्वेज आते हैं। तो कहूँगा यही कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये एक सेल्फी पॉइंट मान सकते हो। इसे बैठ के, खड़े होके, उल्टा लटक के
पर शैतानी करके आप नहीं खिंचवा सकते, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री है, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ पे आके अच्छा बिहेव करें। और आप जब भी आ रहे हो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि कैश लेके आया करो इंडिया में, क्योंकि अभी तक यहाँ पे UPI एक्सेप्ट नहीं होता है। इन फ्यूचर ये लोग बिल्ड करेंगे, पर तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग कैश लाया करो। और बरसात में आप लोग यहाँ मत आना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बरसात के लिए, क्योंकि यहाँ पे पक्के सड़क बहुत कम हैं, पहाड़ी ज़्यादा इलाका है। आप आ रहे हो तो गिरने का या हादसा होने का बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। तो अभी हम लोग इस हैंगिंग ब्रिज को पार करके यहाँ पहाड़ पे जाएंगे। वहाँ पे देखने वाली ये है कि आप टावर पे चढ़ के इस एरिया का नज़ारा देख सकते हो। और जितना हम लोग चढ़ेंगे इसके, अगर ऊंचाई की बात करूँ तो 100 फीट 200 फीट के आसपास होगा, 100-200 फीट से ऊंचाई होगा, लेकिन थोड़ा लंबा है तो प्रोसेस लंबा है चढ़ने का, तो पता नहीं चलेगा कि हम लोग ऊंचाई पे जा रहे हैं। पर फिर भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ से इस एरिया का नज़ारा कम से कम पूरा देखने को मिलेगा। बने रहिए वीडियो में, पसंद आए तो लाइक, शेयर करें ना करें सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगली बार घूमने आए तो कुछ बातें हमने बताई हैं, उन्हें फॉलो करें। और कुछ नहीं, और नीचे से मेरे दोस्त सब ये लोग आ रहे हैं नीचे से। अभी यहाँ से थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग कहाँ से आए। हम लोग वहाँ से आए, वहाँ पहाड़ को मैंने दिखा दिया जिन्हें देखना होगा। और ये उस ऊंचाई पे जाना, थोड़ा मोड़ा यहाँ से दिख रहा है पूरा गांव। नीचे यहाँ से एक छोटे से 2-4 गांव या घर झोपड़ी दिखाई दे, बस चढ़ने वाले हैं। तो जितने मैंने कहा था 100-200 फीट, हो टॉप पे आ गए हैं। यहाँ से आपको पूरा दिखाई देगा, ये भिकना ठोरी का जो गांव है। Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not. जो भी जगह थे हम लोगों ने घूम लिया है और अब घर को हम लोग जा रहे हैं। यहाँ की एक खूबी बता दूँ कि इन लोगों को कृषि करने के लिए पानी पटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन लोगों ने ऑलरेडी पहले एक नाला बना दिया है और जिस खेत में पानी पहुंचाना होता है वहां से ये लोग खोल देते हैं, उसके बाद पानी अपने आप खेत में चला जाएगा। ये नाला आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और ये नाला ऊपर से आ रही है, ऊपर से इसलिए ताकि नीचे ढलान पड़े और जिस खेत में पानी की ज़रूरत हो वहां पे खोल दिया जाएगा। जैसे इसमें ज़रूरत है इसमें खोल दिया गया, और इसमें ज़रूरत नहीं है तो इस खेत का पानी बंद कर दिया गया। लेकिन अभी ये लोग पटा रहे हैं इसमें, शायद कृषि करेंगे। यहाँ पे एक किसान भाई है, और एक और बात ध्यान देने वाली है कि जो नया ड्राइवर है बाइक का, तो यार वो चला के मत आए, अपने साथ कोई ऐसा बंदे लाए जो जिसका एक्सपीरियंस हो बाइक चलाने का, नहीं तो आके उन्हें बेकार में गाड़ी तोड़वाने पड़ेंगे, गिरने पड़ेंगे, नुकसान उन्हीं का होगा। तो अभी जिस जगह पे हम लोग हैं यहाँ पे अधिकतर थारू नेपाली हैं, जिन्हें भोजपुरी, हिंदी, नेपाली, ये 3 भाषाएँ आती हैं। यहाँ पे आके आप किसी एक भाषा में बात करेंगे तो वो लोग बात कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।